गाइस, वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बहुत दिन हो गए थे कि हम जो हैं व्लॉग्स नहीं बना रहे थे। पहले मामा और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए हम व्लॉग्स नहीं बना रहे थे। और उसके बाद जो है वो सिम्बा जो है वो चला गया था, और जो है उसको हम फाइंड करने में लगे हुए थे। और उसके बाद बाहुबली की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। वो मिस कर रहा था सिम्बा को, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर जो है उसको हम केयर कर रहे थे। पहले हॉस्पिटल एक दफ़ा लेके गए, फिर हॉस्पिटल जो है 2 दिन के बाद फिर लेके गए। और उसकी जब तबीयत ख़राब हुई थी तो मुहर्रम थे, मुहर्रम की वजह से 9वीं 10वीं मुहर्रम थे। और हमने उसके डॉक्टर को कॉल की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो क्लिनिक है वो बंद है मुहर्रम की वजह से, इस वजह से हमने ओपन नहीं किया। तो 2 दिन का गैप आया, 2 दिन का गैप आया। तो उसका फीवर भी चेक किया तो उसको 104 फीवर था। तो मुहर्रम जैसे ही ख़त्म हुए 9वीं 10वीं, तो हम उसको लेके गए। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, तो हम उसको वो मेडिकेशन पे रख रहे थे और मेडिसिन दे रहे थे, और उसको इंजेक्शन भी लगाया था, लेकिन उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आप लोगों को मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डाली, स्लाइवा भी दिखाया जो उसका गिर रहा था। और उसके बाद जो है वो मतलब 3 4 दिन और उसने जो है वो देखा। और फिर हम डॉक्टर के पास 2 दिन के बाद, मतलब 3 4 दिन नहीं, 2 दिन के बाद हम उसको डॉक्टर के पास दोबारा लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इसकी मेडिसिन्स को बंद कर दें और इसको सिर्फ जो है ना वो मतलब इंजेक्शन दें, ये वायरल इसको हुआ हुआ है और उसको कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक डॉक्टर ने ये बात की हमें, और हम डॉक्टर्स पे ही यकीन करते हैं, ठीक। तो उसकी जो है मेडिसन्स को बंद करके, तो उसको वैसे ही हमने जो है वो अंदर रख लिया अपने पास, ताकि वो जो है वो उसका स्लाइवा ना गिरे और वो जो है थोड़ा बेटर फील करे हमारे साथ रहकर, क्योंकि वो सिम्बा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और जो है वो हम सोच भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे जो उसके साथ हुआ है। मैं कहना भी नहीं वो चाहती, ठीक है। अभी हम स्टेबल हुए हैं, मामा मैं और सारे घर के लोग, जेबी सब, हम जो है बहुत ज़्यादा जो है इस कंडीशन में ही नहीं थे कि हम इस चीज़ का व्लॉग भी बना सकें। आज आज मैं जो हूँ घर से बाहर निकली थी, थोड़ा सा स्टेबल हुई, तो मैंने कहा मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, रो रो के हमारा बुरा हाल था, क्योंकि डॉक्टर ने नहीं बताया। डॉक्टर एक ऐसी शख्सियत होती है जो बताती है कि मतलब कंडीशन कैसी है पेशेंट की या क्या है, हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। हम उसको जो है मतलब कि इस तरह से रख रहे थे कि बस ये ठीक हो जाए, ठीक है। हमें इस चीज़ का था ही नहीं कि ये इतना ज़्यादा बीमार है। लेकिन और अभी भी जब मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा दिल पे बोझ रख के कर रही हूँ कि मतलब समझ से बाहर है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। और एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों ने जो हमारे साथ, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे प्यार करने वाले जो हमारे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि हमने 3 डेज़ के ये थे जब हमने रेस्क्यू इनको किया था। मैं थोड़ा सा जो है वो बर्थडे का इनका स्किप कर देती थी, मतलब मुझे डेट का थोड़ा आगे पीछे हो जाता था। ये 25 अक्टूबर को हमारे पास आए थे। और आप लोगों को जैसे कुछ लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये 3 थे, एक फीमेल और 2 मेल, ठीक है। कियारा, सिम्बा और बाहुबली। बाहुबली सबसे बड़ा था, ठीक है, और उसके बाद ये सिम्बा और फिर कियारा थी। और हुआ ये कि जो है जिस दिन खुदा के पास सिम्बा बाहुबली ने जाना था, जिस दिन उसी वो 11:30 सुबह गया है, 14 अगस्त को, ठीक है। और
सुबह के 3:30 बजे जो है वो सिम्बा आ गया। 9 दिन के बाद सिम्बा आ गया। मुझे नहीं पता कि ये क्या खुदा की मर्ज़ी थी, क्या खुदा की रज़ा थी इसके अंदर कि वो उसको मिस करते करते उसकी डेथ हुई। और वही जो है उसकी जैसे ही डेथ हुई वो मतलब कि कुछ घंटों के बाद आ गया। कुछ समझ से बाहर है कि खुदा क्या करना चाहता है, क्या सोचता है, कुछ समझ नहीं आती। अब जो है वो आप देख लें कि संडे को उस वो हमारे पास से गया है और अब आप देखें कि मंडे है और अभी तक हम स्टेबल नहीं हुए। खुदा का शुक्र है कि हम रोना जो है हमारा वो कम हुआ, क्योंकि मामा मामा को ये तसल्ली मुझे देती थी और खुद भी रखती थी कि हमने केयर बहुत की है, हमने केयर बहुत की, हमने अपने पास उसको अंदर रखा, हमने मेडिकेशन करवाई, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन खुदा की मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारा बिल्कुल मकसद नहीं था कि हम किसी भी पेट को जो है पालें, ये हमें खुदा की तरफ से जो है वो मिले थे और हमें इनको पालना था, ठीक है। लेकिन पहले हम जो हैं वो क्यारा को नहीं बचा सके। उसको तो वैसे ना शुरू से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम थी किडनी की। मैंने ना देखा था, मैं ना हर चीज़ गूगल से इनकी देख लेती थी, डॉक्टर्स वगैरह गूगल पे होते हैं, वहाँ से सर्च करके इनको सारा कुछ करती थी। तो जो है वो ये है कि उसको किडनी की प्रॉब्लम थी इसलिए वो कुछ खाती पीती नहीं थी, ठीक है। 3 दिन की थी, उसको देते थे हम सिरिंज से, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती थी। बाकी ये दोनों सिम्बा और बाहुबली खा लेते थे। ये हमारे साथ रहे हैं और खुदा का शुक्र है कि सिम्बा भी हमारे साथ हैं। उसको भी फीवर हो गया था, कल हम डॉक्टर के पास लेके गए और हमने जो डॉक्टर है वो चेंज किया है, घर के बिल्कुल पास तो नहीं है लेकिन पास है। तो जो है बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, छोटा सा उसने क्लिनिक बनाया हुआ है, लेकिन उसने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी, उसने 2 ही इंजेक्शन लगाए हैं। और सिम्बा का फीवर खुदा का शुक्र है ठीक हो गया है और वो एक्टिव है और वो बिल्कुल ठीक है, खुदा उसको ऐसे ही रखे। और जो है कुछ चीज़ें प्लान करके नहीं होती, हमने बिल्कुल प्लान नहीं किया था कोई पेट रखेंगे, खुदा ने हमें वो तोहफे दिए, ठीक है। एक सर्वाइव नहीं कर सका, ठीक है, शुरू में ही। और बाहुबली जो है उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बच सका। पता नहीं, शायद खुदा का करना यही था, हमें तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इतना ज़्यादा मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि हमसे दूरी हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा अंदाज़ा नहीं था। तो जो है मैंने आज सोचा कि आप लोगों से शेयरिंग करनी चाहिए, आप लोगों को तो बताना चाहिए, बस इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के पास कौन कौन से पेट्स हैं, रेस्क्यू पेट्स हैं या दूसरे पेट्स हैं आपने खुद रखे हुए हैं, क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है। हमने तो अपने बच्चों की तरह पाला है, मामा बहुत खूब प्यार करती हैं, हम सब इतना केयर करते हैं। और अब जो सिम्बा है, सिम्बा से तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, सिम्बा की नेचर भी चेंज हो गई है। पहले ये जो है ना ज़्यादा घूमने फिरने वाला और पास नहीं आने वाला, प्यार ना करवाने वाला ऐसा था। बचपन में जब छोटा था ना तब तो बहुत ही मामा की गोद में रहता था, बहुत प्यार करवाता था, लेकिन उसके बाद उसकी थोड़ी सी 4-5 मंथ्स में गया ना, मतलब 3-4 मंथ्स में तो वो थोड़ी सी नेचर चेंज हो गई थी, ठीक है। तो अब दोबारा से उसकी नेचर वैसी हो गई है 9 डेज़ में। तो समझ से बाहर है, मुझे ना अभी तक समझ नहीं आ रही कि खुदा का करना क्या है। उसके प्यार में बाहुबली चला गया और जो सिम्बा है उसी दिन कुछ घंटों के बाद आ गया। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, ऐसे ही रहती है, हमेशा बाहुबली को याद करते रहेंगे, क्योंकि जिनको एक एक मिनट करके रात रात जाग कर पाला हो उनसे बहुत अटैचमेंट हो जाती है। और एक और बात कि मामा जो हैं वो भी ब्लॉग बनाएंगी, बनाना है उन्होंने,
बस हम लोग जैसे जैसे स्टेबल हो रहे हैं जैसे जैसे वैसे ही व्लॉग बनाएंगे हम बाहुबली पे। लेकिन अभी तो जो है ना अभी तक वो वाली चीज़ गई नहीं है। खुदा का ये शुक्र है कि खुदा ने हमारे आंसू को थाम लिया है। लेकिन एक दिल में जो चीज़ होती है ना वो भरी नहीं है, वो टाइम के साथ ही जाएगी। आप लोगों से बातें करना तो ज़रूरी है, आप लोगों से शेयरिंग करना तो ज़रूरी है हर चीज़ का। तो करेंगी मामा बात आप लोगों से जल्द ही। ओके खुदा हाफिज़ गाइस, व्लॉग यहीं तक था। जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें और अपना प्यार इसी तरह देते रहें और खुश रहें और सबको खुश रखें। खुदा हाफिज़। पेट भर के पार के ऊपर मैं इनको रखती हूँ, नहीं तो ना इनको। और क्या था वो देखो, वो देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा बच्चा, ओ नेल बड़े चुभ रहे हैं बाहुबली।